और इस बॉल को आप घुमा भी सकते हो। और ये लकून करके कोई हैं, हजारों सालों से ये प्रथा चली आ रही है कंधों पे उठाने की बच्चों को। एंट्री ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही ब्लॉक हो, इस दीवार के पीछे एक दूसरा देश है। ये ऊपर जो स्कल्पचर्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये 100 से भी ज़्यादा हैं यहाँ पर। ये दुनिया की बिगेस्ट चर्च है भाई, ये बरीड प्लेस है सेंट पॉल सेकेंड का। यहाँ पे भाई कोई भी बच्चों को और लेडीज़ को सीट नहीं देता। मैं प्रीति जिंटा जैसी लग रही है, कह रहे कोई भी इंडियन आता मुझे प्रीति जिंटा कहता है। और वेटिकन सिटी आने के लिए ड्रेस कोड भी है भाई। और अभी हम पहुँचे हैं भाई कैरिज पवेलियन में, जहाँ तो भाई फिर दोबारा एग्जिट हो गए हैं। तो ये जो बाहर आपको गाइड वगैरह मिलेंगे ना, वो ये बोलेंगे कि यार मैं आपको ऐसी ऐसी जगह ले जाऊँगा जहाँ कोई नहीं ले जा सकता। तो उसमें से ये एक कार वाला जो म्यूज़ियम था, कैरेट वाला कह लो कार वाला कह लो, वो था। तो वो आना हो तो आप, मैंने बताया था ऐसे ऊपर से नीचे आए और फिर वो सामने जा गई नीचे, वो म्यूज़ियम था। एक चीज़ ख़त्म हो गई जिसके लिए ये लुभाएंगे आपको जो भी गाइड्स होंगे। सो अब हम अगेन ऊपर आ गए हैं, यहाँ से हमने एंट्री की थी वहाँ नीचे गए थे, उसके बाद हम इधर जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर। म्यूज़ियम में नहीं ले गई, फिर बाहर ले जा रही है। भीड़ देखो रब। और हम आए थे वहाँ से अभी बाहर, और बाहर निकलते ही ये एक बॉल दिखेगी आपको। ये बॉल सेम वो बसिलिका के ऊपर जो बॉल लगी हुई है वो है, ताकि पता लगे बसिलिका का जो डोम है वो कितना बड़ा है। ये बॉल यहाँ से देखो इतनी बड़ी दिख रही है, और वो वाली बॉल जो बसिलिका के ऊपर जो डोम के ऊपर है वो इतनी छोटी सी दिख रही है। तो इससे पता लग रहा है कि यार कितना बड़ा साइज है उस डोम का, और वो बॉल देखो कितनी छोटी सी दिखेगी। और इस बॉल को आप घुमा भी सकते हो। नो प्रॉब्लम मैडम, भाई मैडम कह रही है कि ओनली गाइड अलाउड है, आप लोग अलाउड नहीं हो, तो भाई आप मत करना, गाइड अलाउड होते, ऐसा उनका कहना है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, और ये छुपा हुआ एक टॉयलेट है भाई, जाना हो तो ऊपर जाने से पहले। और ये अंदर आते ही एक विंडो से ब्यूटीफुल व्यू दिखता है भाई। वाह, कोलोजियम, पेंथियन, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, सारा व्यू दिख रहा पूरे रोम का, अल्टर ऑफ द फादरलैंड सब कुछ दिख रहा है। और एक ये स्कल्पचर है जहाँ पर आपको लोग बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करते दिखेंगे, ये 1506 में रोम में पाया गया था। और ये लकून करके कोई हैं जो गॉड के प्रीस्ट होते थे, और इनको मारने के लिए उनके जो दुश्मन थे उन्होंने ये सांप भेजे थे इनके बच्चों को, और इनको मार दिया गया था। इस म्यूज़ियम में 1400 से ज़्यादा रूम है, और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट म्यूज़ियम है, फर्स्ट है पेरिस का ल्यू म्यूज़ियम। शेर हमारा थक गया भाई,
थक गया मन्नी, और ये देसी बापों की पहचान है, कंधे पे उठा लेना। देख लो भाई, हजारों सालों से ये प्रथा चली आ रही है कंधों पे उठाने की बच्चों को। पुराने ज़माने में जब गूगल मैप वगैरह नहीं होता तो इस तरह से मैप बनाए जाते थे, और ये पूरे ऐसे ये म्यूजियम में मैप बने हुए हैं, सारी जगह मैप बने हुए हैं। और ये इटली का मैप है ओल्ड टाइम का। ये एक ऐसी जगह है, ये पेंटिंग रफाइल द्वारा बनाई गई है, जो एक आर्किटेक्ट थे। और आप देखो, इसमें आपको देखते हुए लोग दिखेंगे। कमेंट्स में बताना कौन कौन आपको देखता हुआ दिख रहा है। तो म्यूजियम हमने देख लिया है, और बहुत सारा आर्ट वर्क था। अगर आप आर्ट स्कल्पचर और इन चीज़ों के शौकीन हैं तो आप आ सकते हैं। पेंटिंग्स थी, माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स थी, लेकिन हर जगह वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी। वहाँ पर जो मेन चैपल थी अंदर, वहाँ भी वीडियो नहीं बना सकते थे, बहुत ज़्यादा सख्ती थी। और म्यूजियम में भी जितनी वीडियो बना सके वो आपको दिखा दी है। और यहाँ पर देखो, एक ये है जो मुझे बहुत पसंद आई आर्ट। देखो दो एग्ज़िट हैं, लगेगा ऐसे कि ये एक ही सीढ़ियाँ हैं, नहीं, लेकिन दो एग्ज़िट हैं। और नीचे जाके मिल जाती हैं, नीचे जाके बंदे साथ में उतरते हैं, ऊपर से अलग अलग। अगर ऊपर से ये लोग आ रहे हैं इधर, ये तो हमारी वाली साइड से आएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ। और अगर एक और एग्ज़िट होगी तो वो यहाँ से आएंगे दूसरी तरफ से, जो ये आप देख रहे हो खाली वाली, और नीचे जाके ये सेम जगह उतर जाएंगे। मतलब आके अगर यहाँ आके देखोगे ना, लगेगा यार ये क्या चीज़ बना दी इन्होंने, ना अलग सा ही कुछ है। एक ही जगह दो जीने उतर रहे हैं, लेकिन भाई संभल के थोड़ा सा, ये स्टेयर्स हैं वाइट वाली, थोड़ा आराम आराम से उतरना। ये लो भाई, हम उतर गए, और एक तरफ से उतरता तो यहाँ से कोई उतरता, और एक यहाँ से उतरे, और ये ऊपर। अब हम कहाँ जा रहे हैं? और बाहर आ गए हम अब म्यूज़ियम से। ये एग्ज़िट गेट है म्यूज़ियम का, और ये दीवारें हैं वेटिकन सिटी की। यहाँ से एंट्री थी म्यूज़ियम की, और एंट्री ऐसे लग रहा था बिल्कुल ही ब्लॉक हो, और यहीं लाइन लगी होती हैं। कभी आप आओगे तो कोई भी टूर गाइड वगैरह आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। यहाँ लाइन लगी होती है इस दीवार के साथ साथ, और अंदर जाके वहाँ से आप टिकट बाय कर सकते हैं, और टिकट लेके अपना जहाँ जहाँ पब्लिक जा रही है जाए जाओ। अगर आर्ट और पेंटिंग के बहुत बड़े लवर हैं तो फिर आप ले लो अपने साथ कोई गाइड, वो भी गाइड ऐसा हो जो आपको एक एक चीज़ के बारे में बता सके। तो अभी की वीडियो का सार ये है भाई, कि अगर आप आर्ट के, पेंटिंग के, स्कल्पचर्स वगैरह के बहुत बड़े लवर हैं तो आप आ सकते हैं म्यूज़ियम में। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है तो आप ना भी आएँ तो भी चलेगा म्यूज़ियम के अंदर। वैसे जो वेटिकन सिटी की जो भी कुल आमदन है, पूरी आमदनी इनकी जो ये टिकट सेल करते हैं उसी पे डिपेंड है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और टिकट का मैंने आपको प्राइस बता दिया था, 17 यूरो अडल्ट की, और 8 यूरो जो 18 साल से नीचे का बच्चा है उसकी है। आपके पास आईडी प्रूफ वगैरह होना चाहिए, मतलब आईडी प्रूफ में जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो उस बच्चे की 18 साल से नीचे का हो, तो आपको 7 यूरो लगेंगे। सीधा इस दीवार के साथ साथ जाके अंदर से टिकट मिल जाती है, बहुत लंबी लाइन ना हो तो। बाकी आपको बहुत सारे गाइड मिलेंगे बाहर के, यार ले लो, स्किप द लाइन वगैरह, नहीं, भीड़ बहुत थी, भीड़ ऐसी थी कि वो जहाँ जहाँ चल रहे थे बस आपको वहाँ वहाँ जाना है। और मेरे हिसाब से शायद पूरे साल ही यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। और जो लास्ट एंट्री है वो शायद 3:30-4 बजे तक होती है, 4 बजे बंद हो जाता है गेट। तो 4 बजे से पहले पहले आप एंट्री करते हैं, सुबह 9 बजे म्यूज़ियम खुलता है, 4 बजे बंद हो जाता है। और अब हम जा रहे हैं सेंट पीटर्स बसिलिका में, और देखो यार ये देश की बाउंड्री है समझो आप। वैसे तो इटली में ही है, इटली के अंदर ही है, लेकिन ये दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ये सारी दीवार बाउंड्री उसी की है। अभी आप इटली में चल रहे हैं, इस दीवार के पीछे एक दूसरा देश है। सो अब हम जा रहे हैं वेटिकन सिटी के एक मेन गेट पे। मैडम ने बताया कि 3 गेट हैं और 2 बंद हो चुके हैं, 4 बजे तक बंद हो जाते हैं वो। और ये एक मेन गेट है जो खुला हुआ है, जहाँ पे सारी पब्लिक जाती है जिन्हें म्यूज़ियम वगैरह नहीं जाना। ये एक एंट्री है जो वेटिकन सिटी के सिटीजन्स के लिए है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपके पास यहाँ का कोई ना कोई इनविटेशन होना चाहिए। लो भाई, एक और एंट्री है जो है वेटिकन सिटी की। आपने ज़्यादातर वेटिकन सिटी को इस तरह से देखा होगा। तो
अभी हम लगे हैं सेंट पीटर्स बसिलिका की क्यू में। सेंट पीटर्स बसिलिका की एंट्री फ्री है। और एक और अपडेट है भाई कि वेटिकन सिटी के अंदर मतलब आप आ सकते हैं कट स्लीव्स पहन के, निकर पहन के, लेकिन फिर आपकी एंट्री सेंट पीटर्स बसिलिका में नहीं होगी और एक जो म्यूज़ियम के अंदर सिस्टीन चैपल थी वहाँ नहीं होगी। तो ध्यान रखें बस यही है कि यहाँ तक तो आप आ सकते हैं, स्क्वायर वगैरह में घूम सकते हैं, लेकिन एंट्री आपको चर्चिस में नहीं मिलेगी, बसिलिका में एंट्री नहीं मिलेगी। शायद वहाँ पे कोई ना कोई वो कपड़ा वगैरह देते भी हैं अंदर बसिलिका में, आपके अगर निक्कर पहनी है लेडीज़ ने, मैन ने, जो भी, और कट स्लीव्स की अगर शर्ट या टी शर्ट पहनी है तो भी अंदर कुछ मिलता है, एंट्री हो जाती है। ये ऊपर जो स्कल्पचर देख रहे हैं ना आप लोग, ये 100 से भी ज़्यादा हैं यहाँ पर, और जो ये कॉलम्स हैं वो 300 से ज़्यादा हैं भाई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वेटिकन सिटी का, वेटिकन एम्पायर का। गार्ड देखो बिल्कुल स्टिल खड़ा है भाई। मोदी जी भी अभी आए थे, शायद यहीं आए होंगे। वेडनेसडे और संडे को पोप आते हैं यहाँ पर, लगभग 9 बजे पोप आ जाते हैं, और फिर वो अपनी कार से बीच में से जाते हैं, लोगों से मिलते हैं आगे तक, और पूरी भीड़ होती है, ये पूरा जैम पैक होता है उस वक्त जब पोप आते हैं। और ये एरिया जहाँ पर पोप बैठते हैं, वो जो ऊपर बना हुआ है शेड सा, वहाँ पे गेट पे ही बंदा खड़ा है, जिन्होंने भी शॉर्ट्स पहनी हुई है उनको कोई क्लोथ दे रहे हैं ढकने के लिए, जैसे मैडम ने ढक लिया, ऐसा क्लोथ दे रहे हैं वहाँ पे। और ये कपड़ा जो है ना डिस्पोजेबल टाइप का है। ये दुनिया की बिगेस्ट चर्च है भाई, और क्या आर्किटेक्चर है इसमें, जो ये मार्बल वगैरह लगा हुआ है ना, ये बहुत महंगा मार्बल है, ये का आर्किटेक्चर तो है ही है कमाल का। ये बरीड प्लेस है सेंट पॉल सेकंड का। वैसे तो जितने भी पॉप होते हैं उनको डोम के नीचे दफनाया जाता है, लेकिन सेंट पॉल सेकंड जो थे उनको लोग बहुत प्यार करते थे, और उनको यहीं बेसिलिका के अंदर ही, चर्च के अंदर ही उनको दफनाया गया। सेंट पीटर्स जो थे उनकी बॉडी इसके लेवल एक नीचे दफनाई गई हुई है। ये वो शेड है जहाँ पर पोप बैठा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो भाई अब ये जा रही हैं गाइड साहब जो भी हैं। यार देखो इसकी अगली की किस्मत कहो, अगली का काम है, इन्होंने काम किया और उसके पैसे लिए। और अगर आपको मतलब गाइड नहीं चाहिए, हमें ये जगह जगह से ले आई, लेकिन आना बहुत आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। म्यूज़ियम वही बात है, आर्ट के शौकीन है तो ठीक है। यहाँ पर जो ये बसिलिका, यहाँ की एंट्री फ्री है, और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है अंदर, मतलब
जो मूर्तियां बनी हुई हैं और जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, कमाल, कोई मुकाबला नहीं है यार। पता नहीं कैसे लोग बनाते होंगे इन चीज़ों को, और कितने सौ साल पुरानी चीज़ें, 500 साल, 400 साल पुरानी जिन्होंने बनाए थे, उन्हें गुजरे भी 700 साल हो गए। जैसे कि माइकल एंजलो की एक मूर्ति वहाँ पर थी, बनाया हुआ स्कल्पचर था जो, उसे भी मतलब माइकल एंजलो को गए भी मेरे ख्याल 600-700 साल हो गए होंगे यार। और ये नज़ारा सामने है वेटिकन सिटी का। चलो भाई, ये ब्यूटीफुल कंट्री को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। वेटिकन सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, ये जो स्क्वायर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये स्क्वायर। और हम अब करने वाले एग्ज़िट। हाँ जी, ओए ये हाथ, ये नाखून जो है ना, ये इटली में था अभी, और ये आप वेटिकन सिटी में हो। ये देखो भाई, एक कदम, ये मन्नी, ये एक कदम वेटिकन में, एक कदम इटली में। वाह भाई वाह, इटली और वेटिकन। 89 आ जा। ओ भाई, मन्नी इटली में आ गया और वो कट है वेटिकन का। तो ये बाउंड्री है वेटिकन सिटी की। अगर आप यहाँ पे हैं बाहर तो आप हैं इटली में, और अंदर हैं तो आप हैं वेटिकन सिटी में। कोई वीज़ा वगैरह नहीं दिखाना पड़ता, कोई पासपोर्ट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट आप रख के आ सकते हैं, पासपोर्ट लाने की भी ज़रूरत नहीं है वेटिकन सिटी आने के लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं मन्नी? इटली। इधर तुमको पानी भरना है तो भर लो। अच्छा, चंगी है इधर। अच्छा, और हाँ भाई, पानी वगैरह स्टोर वगैरह से मत खरीदना इटली में आओ तो, खासकर रोम में। फ़िलहाल तो हम रोम में हैं, आपके पास खाली बॉटल होनी चाहिए। जगह जगह फाउंटेन लगे हुए हैं, वाटर फाउंटेन, और यकीन मानना जो फाउंटेन का पानी है वो स्टोर से जो बोतल खरीदी थी उससे ज़्यादा स्वाद था। और अगर आप वेटिकन सिटी आए हैं तो सामने एक ब्यूटीफुल जगह है, वहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, जिसका नाम है कासल सेंट एंजल।